अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग अभी तक नहीं आया था, तो मैंने कहा भी अंडे रखे आए तो फिर आपको व्लॉग बना के फिर दिखाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ दिनों में इंशाल्लाह अंडे आ जाएंगे, तो फिर जब उनमें से बच्चे निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। तो ब्रीडिंग फार्मूला मैं उनको नहीं देता, मैं कहता हूँ कि नेचर वाइज है वही हो, ठीक है ना। तो अलग ब्रीडिंग फार्मूला सब पता है हमें, लेकिन नहीं देते क्योंकि 6 महीने में इनको अच्छी फीड दी है, फ्लाइंग दी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेंगे मेरे पास। तो ये देखें आप, माशाल्लाह सब की सब अच्छी हैं, ठीक है जी। माशाल्लाह से बहुत शराबा भी करते हैं बहुत सारा। ये देखें जी, ये रखेंगे। तो ये मेरा रहा का एक शेयर था जी, जो मैंने सेल आउट कर दिया था। मेरे एक भाई आए थे मेरे पास, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की मुझसे कि जी आप ये सेल कर दें। फिर आपको पता है मांगी हुई चीज़ है ना, वो रहती नहीं है, या तो कोई नुक निकल आता है तो या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने वो सेल आउट कर दिया। फिर ये कौन मुझे जोड़ा मिला, ये मैं ले आई हूँ। माशाल्लाह ये भी बॉन्डेड पेयर है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी जल्द जाना ब्रीड करेगा, क्योंकि क्रॉस वगैरह तो कर लिया इसने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर ये ब्रीड कर लेगा। ये देखो जी, ये तो ये मेरे पास, ये देखो ये देखो, उड़ते हुए सीधा मेरे पास आते हैं, मेरे सर पे आगे बैठ जाते हैं, ये काटते ही बहुत हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ये देखें आप, माशाल्लाह सब के सब जो है ना, सब बॉन्डेड पेयर हैं मेरे पास, माशाल्लाह सब ब्रीडर हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम दिनों में जाना इनके एग वगैरह आ जाएंगे। तो जैसा कि अभी ये मेरे पास है, ये देखें जी येलो वाले भी इंशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हो गए, बच्चे थे जो मेरे छोटे बच्चे लेके आया था, उनको मैंने फिर फीडिंग पर पाला है। ये देखें, ये देखें, तो इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट ईयर यानी ये भी ब्रीड करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो इनको इंशाल्लाह हम लगाएंगे राग सब लगाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि राग ही जो है ना हम मोटिशन वगैरह इससे ले सकें। तो टाइम तो लगेगा काफ़ी इसके लिए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा। तो बाकी इंशाल्लाह जिस जिस भाई ने लगाए हैं काठे वगैरह, तो इंशाल्लाह इस बार उनकी भी ब्रीड आएगी, लेकिन दिसंबर के एंड तक ही आएगी, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो जनवरी में ही आएंगे हमारे पास। तो बाकी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जब अंडे वगैरह आएंगे, इनके बच्चे आएंगे वो भी दिखाएंगे। तो माशाल्लाह नीचे मेरा जो जावा का सेटअप है उससे माशाल्लाह काफ़ी बच्चे वगैरह फर्स्ट क्लास जो था सेकंड क्लास भी हमारा आ गया माशाल्लाह से। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो सिर्फ ये रहा के लिए था। अभी ये हमने ब्रैदा जो है वो देखते हैं, ये जिसे हमने बिछा दी है क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो इस वजह से मेरे का बुरादा जो है वो नीचे होना चाहिए ताकि ठंड ना लगे। ये देखें, ये सब मैंने जो है ना लकड़ी का बूरा है ना वो काट के तो मैंने वो इसमें जो है ना टैंक दिया। बाकी ये फीड है जी हमारी, ये मैंने इनमें कुछ नट्स ऐड किए थे, ये आप देख सकते हैं ये नट्स हैं। इससे ये कि जो हमारा बढ़ गया डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है तो वो मसाला से एक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। ये हमारा जो है वो हमने इनको दिया था, इसको आप कहते हैं कद्दू, बड़ा वाला किया कद्दू, ये मशरूम के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी मैं दिया करें आप, ठीक है। और बाकी अगर आप इसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, और हो सके तो फॉलो अप भी किया करें इसको, ठीक है। आपका क्या जाना है, आपने उंगली से काम करना है तो उंगली लगा दिया करें, दबा दिया करें, ठीक है। तो शेयर भी किया करें अपने दोस्तों वगैरह को, उनको दिखाया करें। तो बाकी इंशाल्लाह इससे मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई मसला परेशानी आप लोगों को, तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। तब तक के लिए जब तक अंडे नहीं आते तब तक आप मज़ीद व्लॉग इसका आपके पास मुश्किल ही आए, और उम्मीद है इंशाल्लाह 10-15 दिन तक इसका व्लॉग आ जाएगा, नए अंडों के साथ आएगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ जी।